कैपेसिटर में किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे। तुम लोग चौंक गए होगे कि किरचॉफ्स लॉ तो करंट में होता है, किरचॉफ बाबा का लॉ हर जगह वैलिड है, चाहे वो करंट हो, कैपेसिटर हो, एलसीआर सर्किट हो, आरसी सर्किट हो, हर जगह वैलिड है। किरचॉफ ने ऐसा लॉ दिया, बोला था मैंने कहीं एक्सेप्शन नहीं है, ये लॉ हर जगह अप्लाई हो सकता है, इवन कैपेसिटर में भी तुम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हो। तो आज हम लोग उसी तरीके की बात करने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर किरचॉफ लॉ को अप्लाई कैसे किया जाए। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो किरचॉफ लॉ क्या बोला था, सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ लूप विल बी जीरो, पोलैरिटी वाइज सबको ऐड करना है जिसकी वैल्यू अपनी जीरो होती है। या फिर इस सवाल से समझे तो जो वोल्टेज V है वो सब में डिवाइड होगा, तो किरचॉफ लॉ का कुछ ऐसा भी कंडीशन था कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो किरचॉफ लॉ है। पूरे लूप में घूमोगे सब वोल्टेज का सम जीरो होगा, इसका माइनस से प्लस जा रहा हो तो माइनस ले लिया, तो मैंने इधर ले गया तो ये हो गया। अब कैपेसिटर में कैसे लगाए, वही सेम लॉ है, बस वोल्टेज का फॉर्मूला बदल जाएगा। करंट में वोल्टेज के लिए हम लोग यूज करते थे IR, यहां पे वोल्टेज के लिए यूज करेंगे Q/C। बस मान लो इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर है Q2, इसके ऊपर है Q3, मान लो कैसे अप्लाई करोगे, तो V इज इक्वल्स टू Q1/C1 प्लस Q2/C2 प्लस Q3/C3, यही तो है वोल्टेज, यही तो है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। अब इतना सिंपल सा लॉ है फिर भी तुम अप्लाई नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। आओ अपन देखते हैं कि आखिर ये किरचॉफ लॉ को अपन कैसे डील करते हैं, कैपेसिटर के केस में किरचॉफ के लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर एक बार तुम्हें किरचॉफ लॉ समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है, फिर तुम्हें कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि भाई क्वेश्चंस में किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को अपन कैसे देखते हैं। जैसे ये सवाल देखो, हमारे पास एक सवाल दिया गया, हमने क्या बोला कि यार सब कुछ दिया गया, इसका कुछ कैपेसिटेंस मान लो, यार ये मान लो 2 फेराड है और ये मान लो 1 फेराड दिया हुआ है और ये 1 फेराड दिया हुआ है। ठीक है, अब सब कुछ दिया हुआ है 2, 1, 1 ऐसा करके कुछ दिया हुआ है कैपेसिटेंस। मुझे बोला कि T=0 पे हमने स्विच बंद कर दिया, फाइंड फाइनल चार्ज। पहले इसके पोर चार्ज कितना था, +4 -4 +4 -10 -10। मुझे बोला कि जब मैंने स्विच क्लोज कर दिया तो मुझे सब के ऊपर फाइनल चार्ज बताओ। अब देखो होता क्या, इस लूप में हम किरचॉफ लॉ लगा के सारा काम कर सकते हैं, बट करना कैसे मैं समझाता हूँ। तुम क्या करो, तुम्हें नहीं पता कि फाइनली किसके ऊपर कितना चार्ज होने वाला है। जैसे एक कंप्लीट सीरीज वाले सर्किट में, जैसे मैं बोलूँ कि ये पूरा सर्किट किस में लगे हुआ है, ये पूरा सर्किट लगा हुआ है सीरीज में, सीरीज वाले सर्किट में करंट क्या होता था, सेम होता था, उसी तरह से इस पूरे सीरीज वाले सर्किट में चार्जेस का फ्लो सेम होगा। यानी कि हमें नहीं पता कौन कितना चार्ज दे रहा है, बट हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि भाई ऐसा मानो कि प्लस फोर वाला कुछ चार्ज दे रहा है। फाइनली ये क्या किया, पूरे सर्किट में क्यू चार्ज को घुमा दो, पूरे सर्किट में क्यू चार्ज को घुमा दो। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि प्लस फोर वाला क्यू चार्ज दे दिया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज बचा, +4 -Q, इसने Q चार्ज दे दिया, किसको दिया, इसको दिया। जब +10 वाले ने Q चार्ज लिया तो +10 +Q, जैसे ये Q चार्ज लिया फिर इसने Q चार्ज दिया -Q, इसने Q चार्ज दिया तो इसने Q चार्ज लिया, इसने Q चार्ज लिया तो इसने Q चार्ज दिया, इसने Q चार्ज दिया, तो इसने क्यू चार्ज लिया। तो हमने क्या किया, एक्चुअली हमने क्यू चार्ज को पूरे सर्किट में घुमा दिया, +, -, एक लिया, पूरे क्यू चार्ज को घुमा दो। फाइनली यही अरेंजमेंट होता है कि भाई सीरीज में चार्ज का फ्लो सेम होने वाला है, ऐसा नहीं कि क्यू देगा या क्यू देगा, नहीं, सीरीज में एक ही चार्ज का फ्लो होगा जो हर कैपेसिटर के पास जाएगा। जैसे कि सीरीज में करंट सेम होता था, यहां चार्ज सेम होगा। इसने क्यू चार्ज दिया तो इसने लिया, फिर वापस से ये क्यू चार्ज इसके पास आया, इससे गया -Q, फिर इसके पास आया +Q। क्योंकि तुम अगर गौर से देखो, समझना चीजों को मैं क्या समझा रहा हूं, कि ये प्लेट और ये प्लेट का इस दोनों प्लेट से कोई रिलेशन नहीं है, ये आइसोलेटेड है, बीच में हवा है, तो इनके ऊपर नेट चार्ज को सेम होना है। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, जो मेरे पास ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट के पास बाहर से कोई चार्ज नहीं आ सकता,
बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है कि बाहर से ही दो प्लेट के पास चार्जेगा, ये दो प्लेट आपस में ही चार्ज का अरेंजमेंट करेंगे। ऊपर वाला प्लेट अगर क्यू चार्ज देगा तो नीचे वाला प्लेट क्यू चार्ज लेगा, ताकि इनके ऊपर नेट चार्ज अभी भी 10+4 14 मेंटेन रहे, क्योंकि इनको बाहर से देने वाला कोई नहीं है। भाई इस प्लेट से इस प्लेट पे थोड़ी चार्ज आएगा, हवा में चार्ज उड़ के इसके आ सकता है क्या? इस प्लेट से इस प्लेट पे चार्ज आ सकता है क्या? हवा में चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पे आ सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल है। इन दो प्लेट्स का रिलेशन बाहर वाले किसी से मतलब नहीं है। तो होगा क्या कि भाई ये दो प्लेट आइसोलेटेड प्लेट है। अब जो कि ये दो प्लेट आइसोलेटेड प्लेट है, इन दो प्लेट का किसी प्लेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसा होगा कि क्यू चार्ज ये प्लेट देगा और ये प्लेट क्यू चार्ज लेगा। सिमिलरली अगर इसके पास प्लस क्यू आया तो इसने फिर माइनस क्यू दिया, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। देखो 10+q माइनस ऑफ 10+q, फिर इसने क्यू चार्ज दिया, फिर इसने क्यू चार्ज दिया। अब इसने क्यू चार्ज दिया तो सामने वाले प्लेट को क्यू चार्ज वापस देना पड़ेगा, माइनस क्यू दिया, फिर ये चेन बन गया है। अब तुम एक चेन को मैं दिखाता हूं। एक्चुअली में ये चेन कुछ ऐसा बना है कि कैपेसिटर के प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 4-q। तो इसके ऊपर चार्ज इसका अपोजिट होना पड़ेगा। देखो क्या ये चार्ज नहीं है क्या? माइनस से मल्टीप्लाई करो, -4+q, देखो होना ही पड़ेगा। देखो 10+q, ये 10+q है, यहां माइनस कॉमन लो, सेम इक्वल अपोजिट, सेम इक्वल अपोजिट। कैपेसिटर में चार्जेस सामने वाली प्लेट पे इक्वल अपोजिट होते हैं, इसीलिए मैंने क्यू चार्ज फ्लो करवाया। इससे दिया, ये लिया, ये दिया, ये लिया, ये दिया, ये चार्जेस का फ्लो ऐसे ही होता है। कैपेसिटर में चार्जेस का फ्लो ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे सकता हूं। ये देखो, मान लो दो कैपेसिटर है, मैंने बोला बैटरी ने क्यू चार्ज दिया, तुम क्या करते हो? प्लस क्यू, माइनस क्यू, क्यू इसके पास गया तो ये माइनस क्यू निकाल दिया, माइनस क्यू ये निकाला तो इसके पास कितना आ गया? प्लस क्यू, फिर से ये क्या निकाला? ऐसे ही तो करते हो, तो तुम यही तो काम यहां भी कर रहे हो। क्यू चार्ज ये दिया तो ये लिया, सामने वाली प्लेट ने निकाल दिया, फिर इसको दिया, फिर बगल वाली प्लेट ने निकाल दिया। ये यही होता है चार्ज का फ्लो। कैपेसिटर में चार्ज का फ्लो ऐसे ही होता है। तो हमने केवीएल निकालने से पहले एक क्यू चार्ज का फ्लो पूरी सर्किट में करवा दिया। अब देखो ये हो गया, इसकी बात करो। देखो देखो यहां +4-q, सामने वाला पक्की बात है, सामने वाला क्या होगा? -of+4-q, देख लो -4+q, यही होना ही होना है और कुछ हो ही नहीं सकता है। आ रही है बात समझ में? ये फाइनल चार्ज आ गया सबके ऊपर। अब क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है कि आखिर भाई क्यू निकल जाए तो मेरा काम हो जाए। क्यू निकालने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि अब हम केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कैसे लगाएंगे मैं समझाता हूं। तो यहां सबसे पहले ये 2 फैराड है, 1 फैराड है और ये 1 फैराड है। मैं केवीएल कैसे लगाऊंगा देखा, मैं क्या बोलूंगा? एक कोना पकड़ते कॉर्डन, आगे बढ़ना स्टार्ट करते। पहले क्या आया? माइनस, फिर क्या आया? प्लस। अब माइनस से प्लस को या तो तुम पॉजिटिव असाइन कर दो या नेगेटिव असाइन कर दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ माइनस को, माइनस से प्लस को माइनस असाइन कर रहे हैं, मेरी मर्जी। माइनस से प्लस को जैसे ही हमने माइनस असाइन किया, हमें लिखना है इसके अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि केवीएल क्या होता है? सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप इज जीरो। चार्ज कितना है? माइनस ऑफ क्यू अपॉन सी। क्यू कितना है? अपॉन सी, क्योंकि पहले माइनस आया बाद में प्लस आया। आगे बढ़े, पहले प्लस आया बाद में माइनस आया। प्लस 4-q/2। फिर आगे बढ़े, फिर प्लस, देखो प्लस है और ये माइनस है, 4-q/1 = 0। बिल्कुल ऐसी एक लाइन में होता है सवाल। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, कर सकते हैं ना सॉल्व? बहुत बड़ी चीज नहीं है, चलो सॉल्व करते हैं। -10-q+, देखना ये 2-q/2, q अपॉन सी, वोल्टेज q अपॉन सी,
प्लस फोर माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। देखो छ फोर टू सिक्स माइनस टेन, माइनस टेन प्लस सिक्स माइनस फोर, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस टू क्यू, माइनस टू क्यू माइनस क्यू बाई टू यानी कि माइनस फाइव क्यू बाई टू इक्वल टू जीरो। यहां जब q तुम निकालोगे तो q की वैल्यू कुछ आ जाएगी माइनस ऑफ एट बाई फाइव कूलम। कैलकुलेशन चेक कर लेना क्योंकि कैलकुलेशन लंबा है, चेक कर लेना क्या है एट बाई फाइव। अब q आ गया, q मान लो निगेटिव में आया तो यहां माइनस रखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इस पे चार्ज आ गया। यहां माइनस में रखो माइनस माइनस हो गया प्लस, इस पे चार्ज आ गया। यहां प्लस है माइनस एट बाई फाइव रखो टेन माइनस एट बाई फाइव आ गया। हर के ऊपर चार्ज एक लाइन में निकल जाएगा। क्या करना है केवीएल लगाने के समय, जो भी चार्ज हो उससे मतलब नहीं है, एक क्यू चार्ज हो पूरे सर्किट में फ्लो करवा दो। एक बार तुमने क्यू चार्ज फ्लो करवा दिया बस काम खत्म हो गया, केवीएल तुम्हें लगाना आ गया। अब देखो ये सवाल देख लो जी, ये सवाल क्या था, देखो क्या दो फैराड पांच वोल्ट से मैंने चार्ज कर दिया, फाइनल चार्ज पांच वोल्ट से जैसे चार्ज किया बताओ चार्ज कितना होगा, प्लस टेन माइनस टेन। यहां देखो यहां पर पांच वोल्ट से किया प्लस फाइव माइनस फाइव, ऐसा मानो कि पोलैरिटी ऐसे ही किया है चार्ज प्लस टू माइनस टू, सब पे चार्ज आ गया, सबको सीरीज में जोड़ दिया फाइनल चार्ज पूछ दिया, सबको सीरीज में सेम पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस से जोड़ा है ये मैंने बोल दिया। मान लो सवाल दिया हुआ है कितना है प्लस टेन माइनस टेन प्लस फाइव माइनस फाइव प्लस टू माइनस टू, ये हो गया। अब मुझे बोला फाइनली सबके ऊपर चार्ज बताओ, जब हमने सबको सीरीज में ऐसे करके जोड़ दिया हमें नहीं पता कितना क्या होगा। पिक्चर बनाते हैं देखना कितना सिंपली डील करूंगा। मैंने बोला हमें नहीं पता कौन कितना चार्ज देगा, हमने क्यू चार्ज पूरे सर्किट में फ्लो करवाया, जैसे ये क्यू चार्ज दिया इस पे इतना बचा, लिया कौन Q चार्ज, ये दिया लिया कौन ये वाला 10 माइनस क्यू माइनस टू प्लस क्यू। ये Q चार्ज लिया तो सामने वाले प्लेट को Q चार्ज देना पड़ेगा प्लस टू माइनस क्यू, इसने चार्ज दिया तो लिया कौन ये वाला, देखना माइनस फाइव प्लस क्यू, इसने लिया तो सामने वाला फिर देगा कितना प्लस फाइव माइनस क्यू। अब इसने दिया तो ये लेगा कितना लेगा सब प्लेट के ऊपर हमने चार्ज निकाल दिया। अब एक बार चार्ज आ गया तो अब इक्वल अपोजिट प्लस माइनस के साथ लिखो, देखो दिखा रहा हूं इसको क्या लिखोगे 10 माइनस क्यू पॉजिटिव में, निगेटिव में क्या माइनस ऑफ 10 माइनस क्यू, देखो इक्वल अपोजिट 5 प्लस क्यू तो इसको लिखो माइनस कॉमन ले लो आ गया इक्वल अपोजिट। यहां देखो 2 माइनस क्यू इक्वल अपोजिट माइनस कॉमन ले लो, एक कॉर्नर पकड़ लो घूमना स्टार्ट करो ऐसे घूमो या ऐसे घूमने घुमा, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस ऑफ 10 माइनस क्यू अपॉन सी आगे बढ़ा, फिर क्या आ गया फिर से पॉजिटिव प्लस ऑफ 5 माइनस क्यू अपॉन 1, फिर आगे बढ़ा फिर से पॉजिटिव प्लस ऑफ 2 माइनस क्यू अपॉन 1, एक बार ये आ गया सबको डील कर लिए, चार्ज क्यू की वैल्यू आ गई सॉल्व कर लेंगे। ये तुम्हारा जो भी था ये था केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करते हैं कैपेसिटर में जब मल्टीपल कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं आपस में सीरीज में, तो ऐसे अप्लाई करते हैं सीरीज वाले के लिए क्यू चार्ज फ्लो करवाओ और काम हो जाएगा। आगे बात सुनिए अगले वीडियो में अपन केसीएल की बात करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ की बात करेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।